ईसा मसीह ने बैतसैदा के एक अंधे को चंगा किया। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बैतसैदा से आए हुए एक अंधे को किस प्रकार चंगाई दिया? उस अंधे को ऐसे चंगाई दी क्योंकि उस अंधे को इतना विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह अगर मुझे छुएंगे तो मैं ज़रूर देखने लगूंगा। और प्रभु यीशु मसीह के मात्र छूने से ही लोग चंगे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे। प्रभु यीशु मसीह इतने निष्कलंक थे, परमेश्वर के इकलौते प्रिय पुत्र थे, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, जब वो अंधा देखने लगा, ध्यान से देखने लगा, तो उसको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। और प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। क्यों कहते हैं उसको इस गांव के अंदर पांव नहीं रखना? क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे मिरेकल्स करते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बात फैले, शास्त्री फारिसी तक उनको ये बात पहुँचाए, क्योंकि शास्त्री फारिसी बार बार मौका ढूंढते थे प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाने के लिए, पकड़वाने के लिए, क्योंकि अभी उनका समय नहीं आया हुआ था। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से अंधे लोगों को ऐसे चंगाई दी, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, ऐसे ऐसे बहुत से काम किए मेरे प्रियो। और हमारे अंदर अगर आज ऐसा विश्वास है तो प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे साथ रहना चाहते हैं। प्रभु कहता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ जो मेरे वचन को मानता है, मेरे वचन पर चलता है। अगर जो मेरे वचन पर चलता है तो मैं और मेरे पिता आके उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप प्रभु के वचन पर चलते हो? क्या आप प्रभु की बाट जोहते हो? क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो? या आप प्रभु के, जो प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, क्या आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो? अगर नहीं तो मेरे प्रियो, आज ही प्रभु यीशु मसीह के वचन पर ध्यान करें और अपने पड़ोसी को माफ़ कर दें, पश्चाताप करें और स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि हमारी एक गलती के कारण हम स्वर्ग राज्य से निष्कासित हो सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज हम प्रभु से माफ़ी मांगें और प्रभु के बेटा बेटी बन जाए मेरे प्रियो, और चमत्कार मिरेकल्स करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं?